So today we are going to learn the topic of narration. Narration, it is also called direct and indirect speech or reported speech. Today we are going to deal with imperative sentences, how they are going to be converted when they are given to us from direct to indirect speech. First of all, it is very important for us to understand what is imperative sentence. Imperative sentence means a sentence which starts from first form of the verb and ends with a sign of full stop. That sentence is called imperative sentence. It gives order, command or request. Aaj jo topic hum padhne wale us topic ka naam hai narration. Ab narration ko direct indirect speech bhi kehte hain, use reported speech bhi kehte hain. ठीक है, अब हम देखेंगे किस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस को चेंज किया जाता है, किस तरीके से हम इंपरेटिव सेंटेंस कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में. अब इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो क्रिया के पहले रूप से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे एंड होता है. इंपरेटिव सेंटेंस वो होता है जो किसी को ऑर्डर देता, कमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है, कोई सजेशन देता है. जैसा मैंने कहा कम इनसाइड, उसका सेंटेंस हुआ इंपरेटिव. क्यों? क्योंकि क्रिया के पहले रूप से शुरू हुआ. कम क्या है? क्रिया का पहला रूप, और एंड काय पे हुआ? फुल स्टॉप पे. उसे कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस. अब इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो काय में चेंज होता है? आस्क में, टोल्ड में, कमांड, सजेस्टेड और एडवाइस में. अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है. रिपोर्टिंग वर्ब्स आर दोज वर्ड्स व्हिच आर प्लेस्ड आउट ऑफ द इनवर्टेड कॉमास. दे आर गोइंग टू बी चेंज्ड इनटू आस्क, टोल्ड, कमांडेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, एडवाइस. दीज आर सर्टेन रूल्स व्हिच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ. इफ द टाइप ऑफ द सेंटेंस इज इंपरेटिव, हाउ टू कन्वर्ट देम फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस. If the type of the sentence is imperative, imperative means the sentence starts with first form of the verb and ends with a sign of full stop. The sentence is called imperative sentence. So the reporting verb is going to be changed into asked, told, commanded, ordered, suggested, advised. हम देख रहे हैं किस तरीके से imperative sentence को direct से किस तरीके से indirect में convert किया जाता है. सबसे पहले पहचानना है वाक्य का प्रकार कौन सा है. अगर क्रिया के पहले जो शुरू होता है और फुल स्टॉप पे एंड होता है, उस वाक्य को कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं. अब रिपोर्टिंग वर्ब वो होता है जो शब्द जो है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखे गए हैं, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है आस्क में, टोल्ड में, कमांडेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, एडवाइस, सेंटेंस को देख के. दूसरा, तीसरा नियम ये है, अगर वाक्य के अंदर प्लीज है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड. अगर प्लीज रहेगा तो क्या होगा? रिक्वेस्टेड. अगर इन्वर्टेड कॉमा सेंटेंस में आया इंपरेटिव सेंटेंस में, तो इन्वर्टेड कॉमा निकालने के लिए 2+V1, उसके बाद जहां डोंट रहेगा जिस सेंटेंस में, तो वहां क्या लग जाएगा? नॉट टू. क्या लग जाएगा? नॉट टू प्लस वी वन. अगेन वी आर गोइंग टू रिवाइज व्हाट आर दोज रूल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस. If it is imperative, we can know that it is imperative by seeing that the sentence starts with first form of the verb and ends with a sign of full stop. So the sentence is imperative. So reporting verb is going to be changed. Reporting verb is changed in imperative sentence with words like ask, told, commanded, ordered, suggested, advised. Please is given in the sentence, so we have to change the reporting verb into requested. Inverted commas are going to be removed by using 2+V1, and after 2 the verb is not going to be changed because it is called infinitive. Infinitive means 2+V1. If in the sentence don't is given, so in place of don't we have to write not 2+V1. ठीक है, इतना समझ में आया. अब हम ये नियमों को हम इस उदाहरण पे लगाएंगे. अब देखो सेंटेंस है, he said come again at 4. पहला वाक्य हमारे पास आया ही सेड कम अगेन एट 4. हमारा नियम क्या था? सबसे पहले वाक्य का प्रकार पहचानना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस. इट इज इंपरेटिव. ये सेंटेंस का टाइप है इंपरेटिव. जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है उस सेंटेंस को पहचानना पड़ता है. कौन सा सेंटेंस है ये?
इंपरेटिव क्यू कम, कम कौन सा रूप है क्रिया का, पहला रूप, और काय पे एंड हुआ ये सेंटेंस, फुल स्टॉप पे, सेंटेंस कौन सा है इंपरेटिव। अगर इंपरेटिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब ये सेड जो मैंने मार्क करके रखा हूं दिख रहा है आपको, ये सेड कन्वर्ट होगा काय में, आस्क में, टोल में, कमांडेड, ऑर्डर देख के। अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ही आस्क, क्योंकि सेंटेंस कौन सा है इंपरेटिव, ही आस्क। जब सुनने वाला नहीं होता है तो किसके ऊपर लेना पड़ता है, अपने ऊपर, हमने क्या लिए मी, ही आस्क मी। हमने फिर लिखे थे इनवर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए, है ये इनवर्टेड कॉमा, इनवर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए, इनवर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, टू, क्या हो जाएगा, ही आस्क मी टू, और टू के बाद क्रिया का पहला रूप, ही आस्क मी टू कम अगेन एट फोर। बेटा समझ में आया सभी को, कैसे हुआ ये, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए टू, और टू के बाद क्रिया का पहला रूप चेंज नहीं होता है क्योंकि उसे कहते हैं इन्फिनिटिव, टू के बाद हमेशा क्रिया का पहला रूप, ही आस्क मी, मी क्यों लगाए, सुनने वाला नहीं था इसलिए क्या ले लिया हमने मी, ही आस्क मी, आस्क क्यों लगाए क्योंकि सेंटेंस का टाइप है इंपरेटिव, कैसे पहचाने हमने, क्योंकि शुरू हुआ क्रिया के पहले रूप से और एंड टाइम पे हुआ फुल स्टॉप से, इसीलिए क्या हो गया ही आस्क मी, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए टू कम अगेन एट फोर, इन्वर्टेड कॉमा निकल गया और फुल स्टॉप लग गया, आंसर क्या हो गया, ही आस्क मी टू कम अगेन एट फोर। क्लियर हुआ बेटा सभी को, हाँ सर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते फिर से, शी सेड क्लीन द ब्लैक बोर्ड, अगेन द टाइप ऑफ द सेंटेंस इज इंपरेटिव, वाई, because it begins with first form of the verb, clean is the first form of the verb and ends with a sign of full stop, ask, you have to change reporting verb into ask, why, because the type of the sentence is imperative, she asked, listener is not given, that is why we have to suppose me as a listener, she asked me, for remove, in order to remove the inverted commas we have to use to, she asked me to clean the ब्लैक, गॉट इट, समझ आया, पहले हमने लगाया शी आस्क, आस्क क्यों लगाया क्योंकि वाक्य का प्रकार है इंपरेटिव, इंपरेटिव कैसे पहचान में आया, क्योंकि क्रिया के पहले रूप से शुरू हुआ, इसलिए हमने लगाया आस्क, सुनने वाला नहीं है इसलिए क्या लिए मी, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए टू, टू के बाद हमेशा क्रिया का पहला रूप, टू क्लीन द ब्लैक बोर्ड, आंसर क्या हो गया, शी आस्क मी टू क्लीन द ब्लैक बोर्ड, हुआ क्लियर सभी को, क्लियर हुआ, यस सर। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस, यस सर, डोंट वेस्ट योर टाइम इन टॉकिंग, ही आस्क, आस्क क्यों आया, बिकॉज द टाइप ऑफ द सेंटेंस इज इंपरेटिव, व्हाई इंपरेटिव, बिकॉज इट बिगिंस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एंड्स विद साइन ऑफ फुल स्टॉप, क्योंकि शुरू काय से हुआ क्रिया के पहले रूप से और एंड काय पे हुआ फुल स्टॉप से, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही आस्क, अब सुनने वाला नहीं इसलिए क्या लग जाएगा, मी, ही आस्क मी, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए टू लगता है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, डोंट, देखो नियम में लिखा हूं, जब भी डोंट रहेगा तो क्या लग जाएगा, नॉट टू, क्या लगेगा, नॉट टू का पहला रूप, आंसर क्या होगा, ही आस्क मी नॉट टू, ही आस्क मी नॉट टू वेस्ट, अब योर मतलब क्या होता है, सुनने वाला, यू का पॉजिटिव केस है योर, You मतलब कौन होता है, सुनने वाला, सुनने वाला क्या लिया बेटा हमने यहाँ पे, मी, तो मी का पॉजिटिव केस क्या होता, माय, ही आस्क मी नॉट टू वेस्ट माय टाइम इन टॉकिंग, क्योंकि डायरेक्ट मैं क्या बोल रहा हूं, वो मुझसे क्या कह रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम इन टॉकिंग, अपना समय बातों में बर्बाद मत करो, मैं कैसे बताऊं किसी को, उसने मुझसे कहा कि मैं अपना समय बातों में बर्बाद ना कर, तो इस तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में इंग्लिश में कैसा बोलेंगे, He asked me not to waste my time in talking. क्लियर हुआ? नेक्स्ट सेंटेंस, She said, please help me in my homework. She homework. अब यहाँ पे रिक्वेस्टेड लगेगा, क्यों लगेगा, देखो नियम में लिखे हमने, अगर प्लीज है तो प्लीज है तो क्या लगता, रिक्वेस्टेड, क्या हो जाएगा, शी रिक्वेस्टेड, सुनने वाला नहीं है तो क्या लग जाएगा, मी,
शी रिक्वेस्टेड मी रिक्वेस्टेड मी हाँ इनवर्टेड कॉमा रिमूव करने क्या रखना है टू शी रिक्वेस्टेड मी टू मी है ना शी रिक्वेस्टेड मी टू है ना शी रिक्वेस्टेड मी टू अब हेल्प अब मी मी क्या है पॉजिटिव ये क्या है ऑब्जेक्टिव केस है किसका आई मतलब कौन होता है बोलने वाला अब बोलने वाला कौन है यहाँ पे शी तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हर क्या हो जाएगा शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर इन हर होमवर्क इन अब माय माय किसका पॉजिटिव केस है आई का आई मतलब कौन होता है बोलने वाला कौन है यहाँ पे शी शी का पॉजिटिव केस क्या होता है हर तो आंसर क्या हो जाएगा शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर इन हर होमवर्क क्लियर हुआ यस सर क्योंकि देखो अभी डायरेक्ट में अगर देखो डायरेक्ट स्पीच में कैसा कैसा बोल रही मेरे को वो प्लीज हेल्प मी इन माय होमवर्क मेरी मेहरबानी करके मेरी होमवर्क में मेरी मदद करो मैं आपको कैसा बताऊंगा उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उसके होमवर्क में उसकी मदद करूं तो इंग्लिश में कैसा बोलते हैं उसको शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर इन हर होमवर्क क्लियर चारों सेंटेंस क्लियर हुए चलो आगे बढ़ते हैं ही सेड डोंट गो आउट इन द रेन He asked me not to क्यों हो जाएगा क्योंकि don't आया जब don't आता तो क्या हो जाएगा not to है ना नियम में लिखे भी हमने when in the sentence don't is given so don't no don't is going to be converted into not to He asked me not to go out in the rain हुआ clear yes sir सभी को clear हुआ She said, please lend me your umbrella. क्या हो जाएगा She requested. क्यों आ requested? क्योंकि यहाँ पर क्या आया Please. हमने नियम में देखिए अगर please लेगा तो क्या होगा Requested. She requested. सुनने वाला नहीं है तो क्या हो जाएगा Me. She requested me. Inverted comma remove करने के लिए She requested me to lend. अब me मतलब कौन होता है सुनने वाला सुनने वाला देखो मी सॉरी मी मतलब कौन होता है बोलने वाला है ना मी किसका किसका ऑब्जेक्टिव केस है आई का आई मतलब कौन होता है बोलने वाला बोलने वाली कौन है शी तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता हर शी रिक्वेस्टेड मी लेंड टू लेंड हर माय हर अब देखो योर मतलब कौन होता है सुनने वाला क्योंकि यू का पॉजिटिव केस है योर अब यू मतलब कौन है सुनने वाला नहीं हमने क्या लिए सुनने वाला मी लिए तो मी का पॉसेसिव केस क्या होता है माय आंसर क्या होगा शी रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हर माय अम्ब्रेला ऐसे बोलेंगे ना अगर वो क्या बोलती प्लीज लेंड मी योर अम्ब्रेला मेहरबानी करके मुझे अपना छाता उधार दो तो मैं कैसा बताऊंगा उसने मुझसे कही कि मैं मेहरबानी करके उसको मेरा छाता उधार दूं उसको इंग्लिश में कैसा बोलेंगे शी रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हर माय अम्ब्रेला अम्ब्रेला डायरेक्ट इनडायरेक्ट में याद रखना बेटा वी ओनली रिपोर्ट व्हाट द पर्सन हैज सेड हम क्या करते हैं रिपोर्ट करते हैं कि पहले दूसरे व्यक्ति ने क्या क्या कहा इसीलिए हम क्या कर रहे हैं सारी चीजों को ये रिपोर्ट कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच इसलिए कहते हैं इसे द ऑफिसर सेड आंसर माय क्वेश्चन द ऑफिसर कमांडेड ऑफिसर क्या करेगा कमांड देगा या ऑर्डर कमांड करेगा आंसर हिज क्वेश्चन क्वेश्चन हुआ क्लियर हाँ ही सेड डोंट वेस्ट द वाटर इन द टैंक ही आस्क्ड मी नॉट टू वेस्ट द वाटर इन द वेस्ट द वाटर इन द टैंक She said, stand where you are. She ordered me to stand where I was. Who is you? You is a listener. Who is listener? Me. You have taken me as a listener. Me is an objective case. The subjective case of me is I. Where I. Then we have to change present tense into past tense. M past. Is R. We'll go into was verb. Depends upon the number of subject. Here I is singular. So was. So the answer will be she
He ordered me to stand where to stand where I was. My father said, "Don't speak in between." My father asked me not to speak in between. Are you getting my point? My father ordered. Are you getting my point? Yes, sir. The beggar said, "Give me some coins." The beggar told me, or the beggar asked me to give him some coins. The beggar told. Told or asked. The beggar told or asked. We can use told. We can also use asked. The beggar asked me to give him some coin. Why? Him because some me. Coin. Me is the sub. Me is an objective case of I. And who is I? I is the speaker. Who is the speaker? Beggar. For beggar, we have supposed he as beggar. So he is the is him. The beggar him some. Now exercise. इतना समझ में आया पूरे कमरे को illustrations देखे. अच्छा लगा. सभी को illustrations समझ में आए? चलो अब ये आपके लिए होमवर्क एक्सरसाइज है आपकी. ये पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको करना है होमवर्क आपको. ठीक है, होमवर्क करके मुझे पीडीएफ भेजना. ठीक है, शी सेड डू योर वर्क क्या हो जाएगा. शी आस्क्ड मी टू डू आस्क मी टू इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने क्या लगता टू. He asked me to do my homework. My you. Your because is the possessive case of you. Who is you? You is a listener. We have supposed to be a listener. So the possessive case of me is my. She asked me to do my homework. बेटा clear हुआ? Clear हुआ सभी को? सबको clear हुआ? Yes, sir. He said, "Help me in my difficulties." He asked me. Ask me to help him. Him kya hua? Me matlab kya hai? Me objective kaise kiska? I ka. I matlab kaun hota hai? Bolne wala. Bolne wala kaun hai? He ka objective kaise kya hota hai? Him. He asked. Yaha pe bolna. To help him. In his difficulties, his क्योंकि possessive case क्या होता है my का his क्यों my मतलब कौन होता है I मतलब कौन बोलने वाला कौन है he का possessive case क्या होता है his. ये सब मैंने लिखा के दिया हूँ आपको कायम में. जब मैंने सबसे पहले टॉपिक शुरू किया था assertive में देखना है assertive sentence में पूरा लिखा है आपको objective case subjective case possessive case I मतलब बोलने वाला I मतलब बोलने वाला होता है you मतलब सुनने वाला होता है. हमको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को चेंज करना पड़ता है काय में थर्ड पर्सन में. किसके हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से. अब देखो इधर I said please don't quarrel. I requested him. अब मी सुनने वाला नहीं ले सकते क्योंकि I बोलने वाला है तो I सुनने वाला नहीं होगा. इसलिए क्या लेंगे हम him या her. हम him भी ले सकते हैं her भी ले सकते हैं. I requested हर या हिम जो भी लेना ले सकते हैं. मैं हिम लेता हूँ. आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू कॉल. अब देखो डोंट इसलिए क्या हो जाएगा नॉट टू. आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू कॉरल. हुआ क्लियर हुआ सभी को क्लियर हो रहा. हेलो कॉरल यस सर. The doctor said, "Take complete bed rest for a week." The doctor advised me to take complete bed rest for a week. Said के जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे advice. Doctor ने क्या क्या सलाह दिया advise me. Inverted comma remove करने के लिए to take to change हो गया तो फिर take change हुआ क्यों? क्योंकि इसे कहते हैं infinitive. Infinitive मतलब two plus v one to take complete bed rest for a week. The teacher said, "Sit down." The teacher told me to sit down. Clear, Ora? Are you getting my point?
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, क्लियर हो बेटा सभी को? हाँ सर। हाँ, इसी तरीके से जुतनीपुरी अपनी जो है ये एक्सरसाइज है। द टिकट चेकर सेड शो मी अ टिकट। द टिकट चेकर आस्क मी टू शो हिम माय टिकट। द डॉक्टर सेड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। द डॉक्टर एडवाइज मी टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। The teacher said, "Wash." Advice. Advise me to maintain social distancing. The teacher said, "Wash your hands frequently." Me to maintain social distancing. Advised me to wash. Advise me to wash my hands. Hands frequently. Frequently. चलो ठीक है, बाकी देखो टाइम अपना जा रहा है। ठीक है सर।